बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं यूटीपी उमर तारिक पीरज़ादा दोबारा से हाजिर हूँ उड़ान के प्लेटफॉर्म से अल्फाज की उड़ान का शो, जो कि हम एवरी टू वीक्स एक वीडियो लॉन्च करते हैं। थैंक यू आप सब जो हमें देख रहे हैं, आप अपने कमेंट्स और अपने वीडियोस के थ्रू हमें आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उड़ान के कॉज में, जो कि हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आज हम दोबारा से अपने दो गेस्ट स्पीकर्स शीरीन नकवी और कामरान रिजवी के साथ मौजूद हैं, और आज का जो वर्ड हमने चूज किया है बात करने के लिए वो है यूनिटी, हमारी यकजहती। कारी आजम ने यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन के बारे में बात किया था, विच वर सपोज टू बी द थ्री फाउंडेशन, हमारे पिलर्स की अगर हम बात करें एज अ कॉम, एज अ नेशन, तो उसमें से यूनिटी जो है वो एक वन ऑफ द थ्री पिलर्स है। और यूनिटी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा फील होता है कि जब 1947 में पाकिस्तान बन रहा था तो एक मुल्क की ज़रूरत थी, कॉम बन चुकी थी, तभी टू नेशन थ्योरी की बात हो रही थी कि कॉम एग्जिस्ट करती थी लेकिन एक मुल्क की ज़रूरत थी। और आज जब मैं 2021 में अपने मुल्क को देखता हूँ तो ऐसा फील होता है कि मुल्क मौजूद है और कॉम कॉमें बहुत सारी हो चुकी हैं, और यूनिटी की जो है हमें बहुत अशद ज़रूरत है ताकि हम अपने कॉमन गोल और कॉमन पर्पस की तरफ जो है वो एज अ कंट्री, एज अ नेशन, एज अ मुस्लिम ब्रदरहुड टू द वर्ल्ड, हम उस पर गामजन हो सकें। तो आई फील इट इज सैड व्हेन आई थिंक अबाउट यूनिटी टुडे, लेकिन मैं अपने गेस्ट स्पीकर से उनका व्यू भी चाहूँगा, और फिर एज यूजुअल हम बात करेंगे उनकी नज़र में यूनिटी क्या है और फिर किस तरह से हम यूनिटी को अपने बिहेवियर्स में जो है ला सकते हैं। तो कमान साहब, अगर इफ आई आस्क यू फर्स्ट कि आपकी नज़र में यूनिटी यकजहती क्या है, जी कमान जी, थैंक यू सो मच उमर फॉर हैविंग मी एंड आस्किंग दिस वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और मैंने ये देखा है कि यूनिटी का जो मौजू है, यकजहती जिसको आप कह रहे हैं और इत्तेहाद भी शायद कह पाएंगे इसको, वो एक तरह से क्या क्या है और फिर कैसे हासिल होती है, लेकिन क्यों हासिल करना है। आई थिंक क्यों को भी इसमें अगर हम शामिल कर लें तो मेरी नज़र में इत्तेहाद जो है वो ताकत की एक शक्ल है, क्योंकि जब हम मिलकर कुछ करते हैं तो उसमें बहुत तवानाई सिमट कर आ जाती है। अच्छा, और अगर हम बिखर जाते हैं तो कमज़ोर हो जाते हैं। तो मेरी नज़र में कोई भी बड़ा हदफ अगर हासिल करना हो तो ताकत की ज़रूरत है, तवानाई की ज़रूरत है, और यकजहती की ज़रूरत है, और इत्तेहाद की ज़रूरत है। तो अब ये क्यों भी अब कवर हो गया और क्या है का मतलब कि हम जैसे ये पांचों उंगलियां हैं, अभी अगर आप गौर करें हरकत में हैं लेकिन एक ख़ास तरीके से हिल रही हैं, ताकि इसमें एक फ़र्क भी है और एक नतीजा भी है, कोरियोग्राफ्ड है, ठीक है, एक तरीका मैंने बनाया हुआ है, तो इसको भी यूनिटी कहेंगे। और मैंने ये देखा है कि ये कैसे हासिल होता है। ये एक लफ्ज़ है, एहतराम, रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट की ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्योंकि हम सब फ़र्क हैं एक दूसरे से, हाँ वो रंग के हवाले से हो या वो हम नस्ल के हवाले से हो, दीन के हवाले से, अकीदों के हवाले से, इलाकाई फ़र्क भी होता है, सकाफती फ़र्क भी होता है, पसंद नापसंद का फ़र्क भी होता है। तो ये जो फ़र्क है इसी से एक गुलदस्ता बन के सामने आता है और बहुत खूबसूरत और एक हसीन नतीजा भी हासिल होता है, अगर हम उस फर्क को एहतराम की नज़र से देखें। और फर्क के साथ साथ हम ये देखें कि उसमें जो एक ऐसा पोटेंशियल है कि एक दूसरे को ताकत देता है और रंगत भी देता है, और साथ में अगर तय हो जाए कि हदफ क्या है, विजन क्या है, और सब के सब अपने फर्क को लेकर इस विजन को हासिल करने के लिए चल पड़ें, तो फिर यूनिटी का आपको समर भी मिलता है और साथ में एहतराम की इफादियत भी मिलती है, क्योंकि इख्तलाफ तो होगा फ़र्क में, और वही इत्तेहाद है जो चिंगारियां पैदा करता है, और उन चिंगारियों से फिर बहुत से फायरवर्क्स होते हैं और उसका हुस्न भी आपने देखा होगा। तो यूनिटी मेरे ख्याल से एहतराम उसकी जड़ है। ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ताकत है इसमें और हमें बहुत अहम मनाजिल तय करने हैं। और क्या है, एक हसीन तस्वीर है जब आप देखते हैं लोगों को
एक खास अंदाज से ताबुन करते हुए, तो फिर आपको यूनिटी की जो एक हसीन शक्ल है वो नजर आती है। आपका दुख मैं भी महसूस करता हूं उमर, आपने जो कहा कि हम मुल्क तो बन गए और कौम बनना रह गया है और बनने की ज़रूरत भी बड़ी सख्त है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये अमेरिका में भी आप आज देख रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और बहुत से ममालिक में ये जो नफसा नफसी का आलम है ये भी बहुत आम है। और इसकी मेरी नज़र में जो वजह है वो सिर्फ गफलत, इनसिक्योरिटीज़, फियर्स और मिसट्रस्ट इतना बढ़ चुका है कि क्योंकि आपस में लोग बातचीत नहीं कर रहे, और बातचीत क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि एक दूसरे को दुश्मन तसव्वुर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से ये सिलसिला बिगड़ गया है बहुत ज़्यादा। ज़रूरत इस बात की है कि कुछ किया जाए, और इसमें यकीनन आपके पास भी कुछ आइडियाज़ होंगे, और शीरीन जो कि बहुत दर्द रखती हैं इन मामलों में, वो भी कुछ अपना ख्याल ज़रूर पेश करेंगे। आपसे बहुत अच्छी बात की काम्बा, कि एक जैसा होना यूनिटी नहीं है, बल्कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होने को रिकग्नाइज कर कर उसको एक्सेप्ट करना उसकी खूबसूरती है, कि वी आर नॉट मेड द सेम, और फिर जो है उसमें से जो खूबसूरती निकलती है वो बहुत अच्छा आपकी बात मैंने ये पिक की। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि मैसेज मैक्सिमम लोगों को पहुँचे कि इट इज़ नॉट अबाउट बींग द सेम, इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग द डिफरेंस। शिफा, आपका क्या ख्याल है, यूनिटी से आपके जहन में क्या आता है, यकजहती इत्तेहाद? बिल्कुल यही जो इसे कामरान ने बताया, मैं ज़रा प्रैक्टिकल साइड पे इसको लेके जाती हूँ। रिलेशनशिप्स में फॉर एग्जांपल, जब मतलब नेचर में देखा जाए तो ऑपोजिट फोर्सेस जब आपस में कोलाइड करती हैं या जब मिलती हैं, यूनिटी आती है ऑपोजिट फोर्सेस, तो फिर एक नई चीज़ बनती है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्स में जब दो ऑपोजिट गैसेस टकराते हैं तो एक नया सितारा बनता है, अ न्यू स्टार इज बॉर्न बाय द कोलिजन ऑफ द गैसेस ऑफ ऑपोजिट नेचर। इसी तरह मियां बीवी ऑपोजिट होते हैं, मर्द औरत ऑपोजिट होते हैं, वो जब मियां बीवी बनते हैं देन प्रोक्रिएशन बिगिंस। यानी कि नेचर की आप सबसे बेसिक फॉर्म ले लो, उसमें भी यूनिटी होगी तो क्रिएटिविटी या ऑनगोइंग क्रिएशन होगी। अच्छा, अब जहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, हम निकाह नामे पे साइन तो कर देते हैं कि भाई हमने यूनिटी की ज़िंदगी गुजारनी है, हम एतमाद, एहतराम, यकजहती का मतलब यक हो के, यक का मतलब एक, और जहती का मतलब कदम उठाना, कदम आगे बढ़ाना, एक तरफ मंजिल की तरफ जाना, तो वो निकाह नामा तो कबूल हो जाता है। उसके बाद हम छोटी छोटी चीज़ों में पड़ जाते हैं जिसकी वजह से रिश्ते मुश्किल हो जाते हैं। उसके बाद पेरेंट्स के अलावा बच्चों, पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान हो जाते हैं या इन लॉज के साथ हो जाते हैं। ये जो यकजहती नहीं रहती, ये जो फोर्सेस हैं जो उनको पुल अपार्ट कर रही होती हैं, ये नॉर्मल डे टू डे की चीज़ें होती हैं, और जब हम इनमें घिर जाते हैं, और मैं बताऊं उमर, ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं जो फिज़िकल होती हैं, कि भाई मेरा ये लाल कालीन क्यों नहीं है डला, या आपने नीला क्यों डाल दिया, मैंने तो ये फर्नीचर लेना था, फलां क्यों आ गया, आज ये सालन पका था। ये जो जितनी भी जिस्मानी चीज़ें होती हैं, यूनिटी फॉर मी इज़ अ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। जब रूहानी तौर पर हम साथ मिल जाएँ किसी इरादे पर, और इरादा जो इंटेंशन होती है, दैट्स अ स्पिरिचुअल स्टेट, इट्स अ वेरी कॉन्शियस स्टेट, लेकिन हम लोग फंक्शन कर रहे होते हैं अनकॉन्शियस स्टेट पे। अनकॉन्शियस स्टेट में अना आती है, मिसट्रस्ट आते हैं, नफरतें, ग्रीड, लालच, ये सारी चीज़ें अनकॉन्शियस स्टेट्स में आती हैं। लेकिन और हम अगर इनको प्रायोरिटाइज करें अपनी ज़िंदगी में, इनको प्रायोरिटी दे दें, तो वो यूनिटी के जो धागा है, इसी तरह आप किसी को भी ले लें, अल्लाह के साथ यूनिटी, प्रैक्टिकली मैं बता रही हूँ, आप अपने बनाने वाले के साथ यूनिटी, वो कहता है मेरी डोर थाम के रख, या कनाबदो वैया कनस्तैन, तो कहाँ मेरी वो डोर हल्की हो जाती है, जब मैं फिजिकल चीज़ों में पड़ जाती हूँ कि भाई ओहो मुझे तो मस्जिद भांगना है। अच्छा, मस्जिद भी तो ईंट और बजरी की बनी हुई है, मैं तो कहती हूँ मैं जहाँ खड़ी हूँ वो मेरी मस्जिद है, मैं जहाँ बस नियत बांध लूँ वो जगह मेरी मस्जिद बन जाती है।
दोस्तियों में, अगर फ्रेंडशिप्स में देखा जाए, जहाँ पर कोई अगेन कुछ चीज़ों की बात आती है कि भाई तुमने तो मेरी किताब बोरो की थी, वापस नहीं की, तुमने मुझे ये वादा किया था पैसे देने का, अगेन वो डिसोनेंस आ जाती है इसके अंदर. तो हम अगर इन दुनियावी चीज़ों से में घिरे रहे तो यूनिटी नहीं आ सकती. आप नेशंस में चले जाएं, उमर जो आपने शुरू में बात की थी कि हम एक नेशन बने थे, हम कौमों में बट गए, तो वो जो बटना हो गया वो यकजहती नहीं रही. वो इसलिए कि सब अपने अपने मुफाद के पीछे पड़ गए, अपना कंट्रोल हो, पावर हो, या ये मेरा टेरिटरी है, ये मेरी मस्जिद है, ये मेरा मंदिर है. हम जब इन चीज़ों में पड़ जाते हैं तो फिर ये यूनिटी तबाह हो जाती है. तो इफ़ वी कैन ओनली हैव अ पर्पस और एन इंटेंशन विच इज़ बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, विच इज़ ऑन, जैसे कामरान ने कहा, इज्जत और एहतराम, कि वो मैंने शुरू में बता दी ना, फ़र्क होना ज़रूरी है, मर्द हो, औरत हो, दोस्तियाँ भी होती हैं, बिल्कुल फ़र्क लोगों के साथ. जो उसमें कमियाँ हैं मैं अपना ऑपोजिट अट्रैक्ट करती हूँ ताकि मेरा वो कमियाँ मेरी पूरी हों. तो वो वाली चीज़ अपनी जगह लेते हुए, लेकिन जब तक वो नॉन फिज़िकल एब्स्ट्रैक्ट में हम एक इरादा नहीं, एक इंटेंशन नहीं बनाते, वो रिलेशनशिप या वो कौमें नहीं बनती, वो फैमिली नहीं बनती, वो मोहल्ले नहीं बनते. वेरी इंटरेस्टिंग, आपने दोनों तरफ टच किया कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस और स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल. तो आप क्या रेकमेंड करेंगी शिपा के इस यूनिटी को अप्रोच करने के लिए किस तरह से लोगों को जाना चाहिए, किस तरफ, मतलब अपने आप को स्टार्ट कहाँ से लें? लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट दैट, एज नेशन हमें स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए? देखें, बच्चा जब बोलना शुरू करता है ना तो उसके पहले सवाल शुरू होते हैं वाय से. वाय, मेरी ग्रैंड डॉटर जब 2.5 साल की ना, दिन में मुझसे 300-400 दफा पूछती थी वाय, और हर वाय के 6 और वाय होते थे. कमरान, आपके भी ग्रैंड चिल्ड्रन यही करते होंगे आपके साथ. अच्छा, यही बात है, हम उस बच्चे को चुप करा देते हैं. लेकिन पहला कदम, उमर आपने इतना अच्छा सवाल पढ़ के यहाँ लेके आए, पहले उसका जवाब, पहली चीज़ जो हमें करनी है वो अपने से पूछना है कि ये जो मेरे हालात हैं ये ऐसे क्यों हैं, क्यों इज़ वाई, और इसका मैं क्या कर सकती हूँ. क्या मतलब, अब मैं जा रही हूँ, इंटेंशनैलिटी बिल्डिंग इंटेंशनैलिटी होती है बाय आस्किंग व्हाई एम आई हियर एंड व्हाट डू आई नीड टू डू अबाउट इट नाउ. अब जब मेरी व्हाई एम आई हियर, दैट्स द एनालिसिस, लुकिंग इनटू हिस्ट्री, लुकिंग एट पास्ट, होल्डिंग माई सेल्फ अकाउंटेबल, नाउ दैट्स अ वेरी मैच्योर स्टेट टू बी इन. अकाउंटेबिलिटी, हम लोग शेम के पीछे चले जाते हैं कि शर्म करो तुम ऐसे बात कर रही हो, शर्म करो तुम ऐसे ड्रेस हो रही हो, शर्म करो तुम ये खा रहे हो, यू नो दैट इज अ वेरी लो लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस. उसमें व्हेन सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कम्स इन, जहां मैं अपने से पूछूं मैं जो कर रही हूँ वो मेरी यकजहती की तरफ कंट्रीब्यूट करता है या डिसोनेंस खुद की तरफ लेके जाता है. और अगर सब हम अपने आप को ये देखें कि मैं दुनियावी चीज़ों में घिरी हुई हूँ या मैं कॉमनैलिटी ऑफ इज्जत, डिसिप्लिन, वो जो हम सारी ये बातें डिस्कस कर रहे हैं उड़ान पे, बैलेंस, इन चीज़ों पे लेके चलते हैं, इंटेंशनैलिटी मेरी कहाँ बन रही है? That is the first step of getting into unity. दूसरा ये कि आपने वहाँ से निकलना है, उस physical world से निकलना है, तो आप हमेशा next सवाल करो, what next? What next? यानी अगर मैं ये करने जा रही हूँ तो इससे मुझे क्या हासिल होगा, इससे मुझे क्या हासिल होगा. जब आप ऊपर की तरफ रवाना होते हैं तो आपको वो हदफ मिलता है जो ये कॉन्क्रीट से, जिस्मानी चीज़ों से निकल के अब उस एब्स्ट्रैक्शन की तरफ चला जाता है कि प्रैक्टिकल सिनारियो के, मैं अपने मियाँ से क्यों लड़ी, चलें ऐसे ले लें, अच्छा क्योंकि उसका ये, उसको ये चाहिए था, मुझे ये चाहिए था, अच्छा हमें क्यों चाहिए था, अगर हमें ये मिल जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक दूसरे के लिए एतमाद मिलेगा, अच्छा एतमाद मिलेगा तो क्या हो जाएगा, हम रिस्पेक्ट करेंगे, हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी. जितना आप हायर इंटेंशनैलिटी में जाएंगे उतनी यूनिटी आसान होगी. मेरे ख्याल में यूनिटी इज अ कॉन्सिक्वेंस, नॉट समथिंग दैट यू चेस आफ्टर. इट हैपेंस व्हेन यू फॉलो अ सर्टेन कोड इन योर लाइफ.
कांबा, आपका क्या ख्याल है कि एक एक इंडिविजुअल इंटेंशनैलिटी की बात की शिपा ने, कि हर कोई अपनी इंडिविजुअल एक ढूंढे और फिर अगर खुद बंदा अपनी अपनी एक जर्नी पे लगा हुआ हो तो इवेंचुअली वो यूनिटी आ जाएगी। आई थिंक दैट्स व्हाट आई पिक्ड आउट ऑफ शिपा कमेंट। आप इसको किस तरह देखते हैं? आप एक्शन की तरफ अगर लेके जाए नेशन को तो किस तरफ आप लेके जाना चाहेंगे? जो ख्याल मेरे जहन में आया, थैंक यू उमर एंड शिरीन, आपने जो पहलू उजागर किए वो वाकई रोजमर्रा के चैलेंजेस हैं, दुश्वारियां हैं जो हम फेस करते हैं। इसमें सेल्फ इंटरेस्ट की बात की शिरीन ने, खुदगर्जी जो है और यू नो जाती मफाद को तरजीह देना, ये एक पहलू है जो कि मैं समझता हूँ आधा सच है। और आधा सच इस लिहाज से है कि अगर हम आधे सच का शिकार हो जाएं तो फिर नुकसान में होंगे। और अमूमन देखा ये गया है कि हम अक्सर कहते भी हैं कि देखो यार, तुम अगर अपना नहीं करोगे तो तुम दूसरों के काम कैसे आओगे? अगर मैं लड़खड़ा रहा हूँ, कमज़ोर हूँ और किसी के काम का नहीं हूँ, तो फिर अगर मेरे अंदर जज्बा भी है किसी का हाथ बटाने का और मेरे हाथ अपने कमज़ोर हों, तो मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से जब आप इसको एक मुकम्मल सच में तब्दील करते हैं, खुद गर्जी को लेकर दूसरों का ख्याल और दूसरों का गर्ज, यानी नीयत पे अगर हम आ जाएं, जो शिरीन कह रही थी, अगर मैं अपने आप को ताकतवर कर रहा हूँ, मेरी नीयत क्या है? क्या मैं अपने लिए महल बनाऊं या मैं अपने आप को ताकतवर बना के दूसरों के और काम आ सकूं? तो अगर इंटेंट इज अदर्स, तो फिर खुदगर्जी का जो जायका है वो बहुत ही हसीन बन जाएगा। क्योंकि जब फर्क लोग और मजबूत लोग आपस में मिलते हैं, वो मिलते ही इसलिए हैं क्योंकि वो मिलकर औरों की खिदमत करना चाहते हैं। और औरों की खिदमत के लिए आपको एक मजबूत तंजीम बनना होगा, एक मजबूत माशरा बनना होगा, क्योंकि कमज़ोर खिलाड़ी किसी के काम का नहीं है। तो मेरे ख्याल से मुकम्मल सच जो है वो ये है कि आप अपने आप को मजबूत बनाएं, अपना ज़रूर सोचें, लेकिन नीयत ये हो कि जब आप ताकतवर हो किसी हवाले से, इल्म के हवाले से, बाजुओं के हवाले से, या दौलत के हवाले से, या जो भी पहलू हो, तो फिर आप देने के काबिल होंगे। और जब देने के काबिल होंगे तो बहुत से लोगों का उसका फ़ायदा होगा। अकेले नहीं कर पाएंगे, आपको मिल के करने में बरकत भी मिलनी है और साथ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा और एक सिलसिला फिर जारी और सारी रहेगा, आप हो या ना हो। तो ये मैं समझता हूँ कि खुदगर्जी को हम अगर थोड़ा सा मुकम्मल सच में ले आए और नियत से उसको हसीन बना दें, तो फिर इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में एक शिरीन ने जो बात की थी, मेरे पास एक कोट अभी हाल में मैं देख रहा था यूनिटी के ऊपर, एक बहुत प्यारा कोट था, वो ये कि यू डोंट गेट यूनिटी बाय इग्नोरिंग द क्वेश्चंस दैट हैव टू बी आस्क्ड। कि अगर वो सवाल आपस में हम एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते जो के करने जरूरी हैं, तो फिर इत्तेहाद को भूल जाए। क्योंकि क्यों नहीं हम सवाल कर सकते एक दूसरे से? और आपने देखा होगा कि हमारे मुआशरे में लोगों को क्वेश्चन करने से भी रोका जाता है। अच्छा, तो अब आप बगावत कर रहे हैं, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे, आप मेरी नीयत पे शक कर रहे हैं। इस किस्म के जो मैंने जुमले देखे हैं, सुने हैं लोगों को कहते हुए, उससे फिजा एतमाद की नहीं बनती, असल में उससे दरारें खड़ी होती हैं। अगर हम खुला दिल रखें और एक ताल्लुक में अगर हम हैं, फैमिली में हो या किसी इदारे में हो या किसी तंजीम में, तो वहाँ पर ज़रूरी यह है कि सरबराहान भी और कारकुनान भी आपस में जब मिलके बैठें तो एक दूसरे से हर किस्म का सवाल पूछ सकें। और जब वो पूछ पाएंगे तो एतमाद बढ़ेगा, एक शफाफ फिजा पैदा होगी, एक दूसरे को समझेंगे और एक तस्वीर बनना मुमकिन होगा जब हम मुख्तलिफ अनासर को समझ पाएंगे। तो इसमें नीयत आ गई, इसके अंदर एक दूसरे से सवाल जवाब करना, और सवाल पूछने का मकसद भी क्या है, नीयत क्या होती है, ताकि मेरे जहन में जो नामुकम्मल ख्याल है वो मुकम्मल हो या बेहतर हो। और जैसे जिक्सो पज़ल आपने देखा होगा, मुख्तलिफ पीसेस होते हैं और उसको मुकम्मल करने के लिए आपको एक तस्वीर का सहारा लेना पड़ता है कि बड़ी तस्वीर क्या कह रही है, और फिर उसके हिसाब से आप ढूंढ रहे होते हैं। तो हम सब के पास वो पीसेस तो होते हैं इधर उधर,
लेकिन तस्वीर क्योंकि मुकम्मल नहीं होती तो वो गुफ्तगू से, बातचीत से, मुजाकिरात से, तबादला ख्याल से, वो तस्वीर जब मुकम्मल होती है तो फिर एक लगन पैदा होती है और फिर वो सिलसिला आगे बढ़ता है, यक जहती, एक होकर आगे बढ़ना, जो शीरीन ने कहा। और आई थिंक एक बात तो बिल्कुल कह रहे हैं कि बड़ा काम या कुछ बड़ा चेंज या बड़ा कॉज के लिए अकेला आदमी नहीं कर सकता, वो इम्पैक्ट जो अगर आपने लाना है बड़े स्केल पे, वो सिर्फ यूनिटी के थ्रू ही आता है। और किसी आई थिंक बहुत सियाने किसी आदमी ने कहा था ये कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, विच मीन्स के इन एब्स्ट्रैक्ट वे आप इंडिविजुअल्स को अगर एड अप करें उनका होल विल बी ग्रेटर from those individuals, because there are lots of other things that come together जब लोगों को मिलाया जाता है। और अगर मैं समराइज करूँ आज की गुफ्तगू, बहुत अच्छी बहुत सारी बातें आई, चार पांच की बातें जो हमारे हमने आज पिक की, उसमें से एक तो ये कि इंडिविजुअल से बात शुरू होगी कि इंडिविजुअल लेवल पे अपने पर्पस को क्लियर किया जाए, और एक आधा सच जिसका काम्बा ने कहा कि उस आधे सच को स्टार्टिंग पॉइंट तक जरूर रखें, लेकिन उसको बढ़ाना है अगर आपने तो फिर आपने बाकी सच भी पूरा करना पड़ेगा, वेयर यू विल हैव टू फाइंड अदर पीपल। और आई थिंक ये शेयर्ड पर्पस वाला जो कॉन्सेप्ट है और शेयर्ड गोल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए कि इंडिविजुअल पर्पस तो ऑब्वियसली है, लेकिन बड़ा चीज अगर लाना है तो वो सबने एक शेयर्ड पर्पस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उसमें अगेन वो डिफरेंसेस को रिकग्नाइज करना और फिर उसको टॉलरेट कर काइंड ऑफ आगे बढ़ना कि किस तरह हमें खूबसूरत दुनिया जो है वो आगे बना सकते हैं। और फिर जो है वो सब लोग जो है अगर साथ मिल जाएं तो फिर इवेंचुअली थिंग्स विल चेंज और जिंदगी जो है वो ही हो सकती है, खूबसूरत हो सकती है, जैसा कि हम सबने देखी। तो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि ये जो हमने एक सिलसिला आपने शुरू किया है उड़ान पे कि हम ऐसे पैगाम लेके आगे बढ़ें जिससे लोगों की सोच वसी हो और बेहतर काम करने के वो शौक पैदा करें, अपने लिए मसाइल का हल बने, तो मैं ये जानना चाह रहा था जैसे हमने ये लफ्ज उठाया है इस दफ़ा यूनिटी, इत्तेहाद और इत्तेफाक, तो इसमें मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ये जो वीडियोस हैं मसलन इस एपिसोड के बाद जो लोग दूसरा एपिसोड देख रहे होंगे, तो क्या जो हमारे सामईन और नाजरीन हैं हम जो उनसे तलब कर रहे हैं कि वो 30 सेकंड से 3 मिनट की कोई वीडियो ऐसी दिखाएं जिससे ये लफ्ज़ अमलन जाहिर हो रहा हो, बनिस्बत खिताबत के लेकिन अमलन जाहिर हो रहा हो और इंस्पिरेशनल हो, तो ये जो वीडियो है ये तो किसी भी किस्त में वो सेंड कर सकते हैं ना, अभी भी कर सकते हैं कुछ दिनों में, और आगे चल के भी अगर उन्होंने ये वीडियो देखा 2-3 महीने बाद भी तो वो अगर भेज देते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा, बिकॉज मेरे ख्याल से फिर ये दो तरफा जो एक सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो और आप दोनों के लिए खुशखबरी ये है कि हमारी जो वीडियोस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता और लोगों से फैलती जा रही है, क्योंकि जितना सोशल मीडिया चलता है किसी को अच्छी लगती है फिर वो आगे फैलाती है, तो बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा कि कोई बहुत पुरानी वीडियो जो है वो किसी नए बंदे को फर्स्ट टाइम नजर आएगी और फिर उसको कोई चीज इंस्पायर हो। तो उड़ान का जो मकसद है कि हम अच्छा कंटेंट और अच्छी इंस्पिरेशनल बातें जो है लोगों तक पहुंचाएं, वो इंशाल्लाह इसी तरह चलता रहेगा। तो अपनी ऑडियंस के लिए भी काम्बा का मैसेज मैं पहुंचा देता हूं कि आप जब भी वीडियो देखें हमारे किसी भी लफ्ज की और आपको उसमें से ऐसा फील हो कि आप इस एक्शन से और लोगों को इंस्पायर करना चाह रहे हैं, तो प्लीज हमारे पेज पे आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं और हम फिर आपकी पोस्ट को रिसीव करेंगे, आपकी वीडियो को, और उसको एक मॉडरेशन प्रोसेस के थ्रू फिर हम बाकी दुनिया तक को पहुंचाएंगे। बिकॉज उड़ान मैं, काम्बा, शिपा नहीं है, उड़ान हम सब हैं, हम सब ने मिलकर जो है अपनी जो है वो उड़ान लेनी है और साथ ही साथ अपने साथ और लोगों को भी उड़ाना है। तो इसके साथ ही मैं अपने गेस्ट का फिर से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया उमर, और बाकी सारी ऑडियंस को कॉल टू एक्शन, उड़ान से इंस्पायर हो, यकजहती अपनी लाइफ में अगर आपने कहीं महसूस की तो हमारे साथ अपनी वीडियोज, अपनी बातें हमारे साथ शेयर करें और हमारे चैनल के थ्रू हम और लोगों तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।